राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुनाने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने देश को गुमराह किया है, ऐसे में उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए तो राहुल गांधी ने माफ़ी मांग दी है, लेकिन देश की जनता के सामने क्या करेंगे, उनसे माफ़ी कब मांगेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राफेल मामले में सच की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइजिंग खरीदने की प्रक्रिया को जांचा और उसे सही ठहराया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, कांग्रेस के द्वारा इस तरह का झूठा कैंपेन चलाया गया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले देश में प्रायोजित कैंपेन चलाया गया, अदालत से हारे तो लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बनाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने तो ये भी कह दिया था कि SC ने नरेंद्र मोदी को चोर कहा है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि तब के कांग्रेस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजनीतिक उपयोग किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रविशंकर ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि इस मामले में राहुल ने संसद में झूठ बोला, राफेल के दाम के बारे में देश को गुमराह किया। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के कुछ ट्वीट को भी दिखाया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।